दोस्तों बात करते हैं इवैल्यूएशंस की। जो दो पॉइंट्स रह गए थे, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशंस, इसको CCE भी कहते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CCE भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है बहुत ही आसान शब्दों में। इससे पहले कि हिंदी और इंग्लिश में जाने, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आसान भाषा में समझ जाते हैं। देखिए, सतत और व्यापक दो शब्दों से मिलकर बना है ये इवैल्यूएशन। CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, वह मूल्यांकन जो लगातार चलती रहती हो, शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती हो और शिक्षण समय के साथ साथ चलती रहती हो। और व्यापक का मतलब, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब व्यापक रूप से चलती हो, मतलब संपूर्ण रूप से चलती हो, जिसका फायदा व्यापक रूप में हो। तो जब दोनों की बात करेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों की बात करेंगे, तो आसान भाषा में देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का, समुचित मतलब संपूर्ण विकास का, निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार, और नियमित मतलब हमेशा आकलन है। समझ में आई बातें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलू, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होगी, जिसमें विकास के सभी पहलू, सभी पहलू का मतलब क्या, उसमें शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास, सामाजिक विकास, बोधात्मक विकास, हर एक विकास, विकास के सभी पहलू, ठीक है। तो दो चीज़ें, निरंतर, नियमित और विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। बातें समझ में आ गई। सतत और व्यापक में इसीलिए मैंने कहा कि लगातार, निरंतर, नियमित और संपूर्ण रूप से विकास के सभी पहलुओं के विकास के लिए किया गया मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। अब लिखने के भाषा में, एग्जाम्स में लिखना कैसे, यहां देख लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है या व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आसान भाषा में इसको लिख लीजिए। अब आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि एक्चुअल में सतत क्या है और व्यापक क्या है। तो सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं दोस्तों, क्या इंग्लिश में भी बता दें, इंग्लिश में भी चलिए देख लीजिए इंग्लिश में क्या होता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज द कंटिन्यूअस एंड द रेगुलर, मतलब निरंतर और नियमित, कंटिन्यूअस एंड द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द प्रॉपर डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास ऑफ अ चिल्ड्रेन, इन विच ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी पहलू, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आर कॉम्प्रहेंसिवली असेस्ड बाई वेरियस मेथड एंड टूल्स। चीजें समझ में आ गई। इंग्लिश में भी एक बार और रिपीट कर देता हूं, बाकी आप तो खुद लिख सकते हैं। द कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज द कंटिन्यूअस एंड द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन विच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट, ऑल द एस्पेक्ट्स, व्हाट डज इट मीन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आर कॉम्प्रहेंसिवली असेस्ड बाय द वेरियस मेथड एंड द टूल्स। चीजें क्लियर हो गई। अब आइए वन बाय वन देखते हैं सतत मूल्यांकन क्या है। भाई सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। बातें क्लियर हो गई। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। कहने का मतलब है, केवल आपके सब्जेक्ट्स का ही आकलन नहीं होगा, उसके साथ साथ जो भी सह पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली जो भी क्रियाकलाप होंगी, उन सब का भी आकलन होगा। मतलब आपका व्यवहार कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप पंक्चुअल कितने हैं, तो ये सतत मूल्यांकन के अंदर सभी आएंगी। बातें क्लियर हो गई, आसान भाषा में समझ गए। लिखिए आप अपने शब्दों में चीजों के एक और समझ जाइए कि सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, पूरे वर्ष औपचारिक एवं औपचारिक रूप से यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। और सतत प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप स्वयं अपनी भाषा में लिखिए, द कंटिन्यूअस लिटरली मीन कंटिन्यूसली, लगातार। दस अतः कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, इन दिस द चाइल्ड असेसमेंट इज डन ऑन द कंटिन्यूअस एंड द रेगुलर बेसिस। ओके,
which continued throughout the year both formally and informally. चीजें समझ में आ गई. अब आइए देख लेते हैं थोड़ी सी और इंग्लिश में सतत मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बारे में. कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड द क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस बोथ हैंड इन हैंड. हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ चलने वाली, मतलब कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड द क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस बोथ गोइंग टूगेदर, बोथ वर्क्स टूगेदर. ओके, इन दिस नॉट ओनली द सब्जेक्ट बेस्ड बट द को करिकुलम एक्टिविटीज आर ऑल्सो असेस्ड रेगुलरली. चीजें समझ में आ गई. कहने का मतलब है सौ पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है. तो अभी हमने क्या देखा, सतत और व्यापक मूल्यांकन. सतत के बारे में आपने अच्छे तरीके से देख लिया, कंटिन्यूअस के बारे में. आइए बात करते हैं इसके बारे में कॉम्प्रहेंसिव यानी कि व्यापक मूल्यांकन क्या होता है. तो सतत के बारे में आपने जाना कि लगातार नियमित रूप से शिक्षण के साथ साथ चलने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है. अब देखते हैं व्यापक. व्यापक का मतलब ही व्यापक रूप से. आसान भाषा में देखिए, व्यापक से आशय है कि बच्चे के समस्त कौशल गुणों, कौशल जो भी स्किल्स है, जो भी क्वालिटी है, समस्त गुणों के विकास से ऐसी इवैल्यूएशन, ऐसा मूल्यांकन जो उनके हर एक गुण, हर एक स्किल्स को मूल्यांकन करे, हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करे. जैसे कौन कौन से, शारीरिक भी, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास सभी सम्मिलित हैं. समझ में आ रही बात. व्यापक मूल्यांकन में हर एक कौशल और गुणों का विकास है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है, जो एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है. इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है. समझ आ रही बात. ये जो इंसानियत की बात हो ना, जब इंसान धीरे धीरे इंसान बनता है, धीरे धीरे होता है, तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की भी आवश्यकता होती है. ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के विकास का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है. व्यापक में क्या होता है भाई, कौशल एवं समस्त कौशल एवं गुणों का विकास. समस्त और कौशल, समस्त और कौशल और गुण कौन कौन से भाई, सामाजिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, हर एक प्रकार के विकास के लिए मूल्यांकन होगा, वो व्यापक होगा. ठीक है, ये जो भी गुण है वो क्यों है भाई, एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है. और इन गुणों का धीमी गति से विकास होता है, तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है. ठीक है, व्यापक आकलन और अवलोकन, चर्चा, साक्षरता आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है. तो ये हो गया व्यापक. तो देखिए, सतत का मतलब रेगुलर, कंटिन्यूसली चलने वाली. व्यापक मतलब संपूर्ण, इसीलिए तो सतत और व्यापक का मतलब लगातार और संपूर्ण चलने वाली बात है. इंग्लिश में देख लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन. Comprehensive means the development of all skills of and qualities of a child, including physical, mental, social, moral and emotional development, which is necessary to become a good citizen. Obviously, okay, the development of these qualities is slow, but sufficient time is required to bring out the desirable change. Okay, comprehensive assessment can be done through observations, discussions, interview, etc. समझ में आ गई दोस्तों. तो ये हो गया व्यापक मूल्यांकन, और आपने इसके पहले देख लिया सतत मूल्यांकन. ठीक है, अब तो आप आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसकी महत्व क्या है. चीजें समझ में आ रही हैं आपको, बिल्कुल समझिए. आपको अपनी भाषा में लिखना है, बिल्कुल समझिए चीजों को. सतत क्या होता है भाई, इनकी विशेषता देखते हैं, इसकी महत्व देखते हैं. यह छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बना देती है. यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम को, आने वाली कठिनाई को पता लगाने में सहायक होता है. इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है. ठीक है, सतत और व्यापक. इंग्लिश में, इट मेक्स द लर्निंग प्रोसेस इजी फॉर द स्टूडेंट. इट इज हेल्पफुल इन द फाइंडिंग आउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट इन the course of learning. Okay, by the difficulty faced by the student during learning and are reduced. उसको कम किया जाता है. Okay दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले शॉर्ट में देख लीजिए कि उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि आप जब चीजों को समझ जाएंगे ना, अर्थ समझ जाएंगे, तो हर एक चीज आप स्वयं लिख सकते हैं. उद्देश्य देखिए कि रखते क्यों है पाठ्यक्रम में. देखिए, विभिन्न विषयों को निश्चित समय उपरांत में बच्चों की प्रगति जानना, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना, प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, सृजनशीलता को बढ़ावा देना, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना, बच्चों के सीखने में कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यापन की उपयुक्त योजना बनाना, बच्चों की रुचि जानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, और बच्चों के परीक्षा प्रति व्याप्त भय व दबाव को दूर करना, स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना. सेम चीज को बस इंग्लिश में लिख दिया गया है. टू नो द प्रोग्रेस ऑफ अ चिल्ड्रन इन द डिफरेंट सब्जेक्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम. ठीक है, टू डिटेक्ट द चेंज इन द बिहेवियर, हेल्प चाइल्ड इन लर्निंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रमोट क्रिएटिविटी, फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, टू मेक सुटेबल टीचिंग प्लानिंग फॉर द चिल्ड्रन, ओवरकम द डिफिकल्टी इन द लर्निंग, नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, to improve the teaching learning process going on in the classroom, and to remove the fear and the pressure.
ठीक है। तो ये चीजें हो गई इसका उद्देश्य, मेरे कहने का मतलब समझ जाइए। वीडियो को खत्म करने से पहले आप चीजों को समझ जाइए। व्यापक और सतत समझ गए कि निरंतर चलने वाली, हमेशा चलने वाली, रेगुलर चलने वाली और संपूर्ण रूप से विकास करने वाली मूल्यांकन होती है। तो जब आप चीजों को समझ जाएंगे तो आप इसकी विशेषता स्वयं लिख सकते हैं कि ये संपूर्ण रूप से विकास करता है, ये हमेशा ऑनगोइंग चलने वाली प्रोसेस है। ये बच्चों को, अब जब आप पढ़ाते समय उनका मूल्यांकन करेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, आने वाली कठिनाई दूर हो जाएगी, कठिनाइयों की कमी हो जाएगी, जो त्रुटियां उसकी आप पता लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप स्वयं लिख सकते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य भी आप स्वयं लिख सकते हैं कि निश्चित समय में बच्चों को जान जाएंगे कि क्या तकलीफ है, पाठ्यक्रम को आप आसानी से समझा सकेंगे, उनकी रुचि जान जाएंगे और उनके पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये सारे आप सेल्फ ही लिख सकते हैं। बस आप यहां फोकस करिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। बस ये चीजें आप ध्यान में रख लेंगे, आपका पूरा सतत और व्यापक कंप्लीट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है भाई? बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। बस इस वीडियो में आपका और हमारा साथ यहीं तक। कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और प्लीज़ आप टॉपिक्स बता दीजिए कि इस इवैल्यूएशन में कौन कौन सी टॉपिक रह गई है, वो भी बता दिया जाएगा। और हाँ, एक रिपीट करा दूं मैं आपको कि इससे पहले आपके मूल्यांकन में दो टॉपिक्स की वीडियो बन चुकी हैं, रचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मुलेटिव और समेटिव इवैल्यूएशंस की वीडियो बन चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के फर्स्ट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके मूल्यांकन को खत्म कर लीजिए। मूल्यांकन की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं भी देखी जा चुकी हैं। उम्मीद करता हूं मूल्यांकन चीजें अब आपको खत्म हो गई होंगी। एक चीज रिकैप कर दूं बस, तो मूल्यांकन के बारे में हमने क्या क्या देख चुके हैं भाई? अलग अलग वीडियो में हमने एक वीडियो में देखा मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, और दूसरे वीडियो में हमने जाना इनके प्रकार के बारे में। इनके प्रकार में कौन कौन से भाई? संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, निदात्मक और सतत एवं व्यापक। सतत और व्यापक आप इसी में देख चुके हैं, और संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन इस वीडियो में आपको यहाँ मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बस एक रह गया है, वो कौन सा? निदात्मक मूल्यांकन। उसकी भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में आइए, फीडबैक दीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित करिए, और आप मेरा भी मूल्यांकन करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपनी किताब से पढ़िए, अपनी सीरीज से पढ़िए, सतत और व्यापक मूल्यांकन को आज बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए ताकि दोबारा आपको कोई देखना ना पड़े और बस एग्जाम में आप सीधा लिख के आए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ एक शिक्षक का साथ आप जरूर देंगे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब channel and keep supporting us. Thank you for watching this video. See you in the next box. See you in the next video. See you in the comment box. Jai Hind, Jai Bharat.